नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियोस में अपन ने पढ़ा था पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क। एंड दूसरे चैप्टर में अपन ने पढ़ा था हाउ डॉग फाइंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। और ये अपना थर्ड चैप्टर है, तो आइए शुरू करते हैं। ये अ यंग वुड कटर नेम्ड टैरो। एक यंग वुड कटर था जिसका नाम था टैरो। विद हिज मदर एंड फादर ऑन लवनली हिल साइड। वो एक हिल साइड पर रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड। वो रोज वुड काटता था इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में थॉट ही वर्क वेरी हार्ड। ही अर्न वेरी लिटिल मनी। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था लेकिन उसे बहुत कम पैसा मिलता था। मेड हिम सैड। जो उसे सैड बनाते थे। फॉर वॉज हिम थॉट देमसेल्फ। मतलब वो अपने माता पिता को सोचने वाला समझता है। ही वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स। जो भी उसके ओल्ड पेरेंट्स को चाहिए होता वो उनको देना चाहता था। एवरी थिंग दे नीड। जो उनको चाहिए हो। वन एवरिंग वेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो इट वेस्टल थ्रॉट ही क्रैक ऑफ हट। मतलब एक दिन बहुत तेज हवा चली जो हट के छोटे छोटे से छेद थे उसमें से हवा आने लगी जो बहुत ठंडी थी। सडनली टैरोज फादर सैड। तभी टैरोज के फादर ने कहा आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक। कि मेरे पास एक शेक का कप होता। इट वुड वार्म माई एंड माई ओल्ड हार्ट कोड। मतलब वो मेरे ओल्ड हार्ट को अच्छा कर दे, गर्म कर देता। काश मेरे पास शेक होता। टैरोज का फादर ऐसे बोलता है। दिस मैट टैरो सैडर देन एवर। फिर टैरो वैसे ही सैड रहता। उसको और सैड हो गया वो। फॉर द हार्टर वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। मतलब वो बहुत महंगी आती थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी। मैं ज़्यादा मनी कैसे कमा सकता हूँ। ये आज क्रीम जाए वो खुद से पूछता। हाउ डू आई गेट लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। ये डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। फिर उसने सोचा कि मैं पिछली बार से ज़्यादा वर्क हार्डर करूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअली एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम। फिर सन एकदम ऊपर आ जाता है। वो काटता रहता है जल्दी से उठता है। वो बहुत गर्म हो जाता है। टू टेक ऑफ हिज जैकेट। वो अपनी जैकेट निकाल देता है। हिज माउथ वॉज ड्राई। उसका माउथ सूख चुका था। एंड हिज फेस वॉज वेट। उसका चेहरा गीला हो चुका था स्वेट। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट। मतलब वो सोच रहा था कि ऐसी गर्मी काश मेरे फादर को मिलती। ही वॉज वार्म एज एंड ही वेज बिगेन टू चॉप एवर फास्टर थिंकिंग टू एक्स्ट्रा मनी। वो बहुत जल्दी जल्दी काटने लगता है एक्स्ट्रा मनी के बारे में सोचते हुए। मस्ट अर्न टू बाय शेक टू वार्म द ओल्ड मैन बोन्स। ओल्ड मैन की बोन्स को चॉप मतलब शेक देने के लिए। देन सडनली टैरो रुकता है। चॉपिंग करना रुक गया। वॉट वॉज दैट साउंड। वो साउंड क्या थी। उसे एक साउंड सुनाई देती है। हियर कुड इट बी कुड पॉसिबल रशिंग वाटर। उसे नहीं पता था यहाँ पे कोई बहता हुआ झरना हो। टैरो कुड नॉट रिमेम्बर एवर और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। उसने ऐसा कोई पार्ट नहीं देखा था जिसमें वो
वॉज थर्स्टी, वो पहले ही उसका गला सूखा हुआ था। द एक्स ड्रॉप्ड, उसके हाथ से एक छूट जाती है। एंड हिज रन एंड ही रन ही डेडली ऑफ द साउंड। टैरो सॉ अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल, टैरो एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल देखता है। हाइडन बिहाइंड अ रॉक, जो एक रॉक में होता है, मतलब पत्थरों में छुपा होता है। काइंडली एट प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड, जहाँ पे वाटर बह रहा था। ही कार्व्ड अ लिटिल इन हिज हैड, मतलब वो अपना हाथ डालता है उसके अंदर। पुट इट ऑन हिज लिप्स, अपने लिप्स पे रखता है क्योंकि उसके होंठ सूख चुके थे, उसको पानी चाहिए था। वॉज इट वाटर, क्या वो वाटर है? और वॉज इट शेक, क्या वो शेक है? टैरो कन्फ्यूज हो जाते हैं। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, वो बार बार उसे टेस्ट करके देखता है। एंड ऑलवेज इट वॉज अ डिलीशियस शेक, और वो सही में एक शेक होता है। इंस्टेड अ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर की जगह। टैरो क्विकली फेल्ट टू पिक्चर ही हैड हिम द हर्टिंग होम द ओल्ड मैन, मतलब वो अब उसके पास एक जार होता है जिसमें वो उसे फटाफट भर के चला जाता है घर की तरफ स्पीड में। ओनली वन सैलो ऑफ लिक्विड ही स्टॉप्ड शेविंग एंड डिड ही लिटिल डांस इन द ऑफ द फॉल, मतलब वो ओल्ड मैन को जाके देता है, उसको इससे उसके उसको वार्म मिलता है और फिर वो थोड़ा सा नाचने लगता है। दैट आफ्टरनून नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, टैरो फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर कप ऑफ द शेक, वो मतलब जैसे वो आते हैं वो उसे शेक का एक कप ऑफर करते हैं। द लेडी ड्रिंक इट, जो लेडी होती है वो उसे पीती है। एंड ग्रैंड एंड थैंक्ड ओल्ड मैन, और वो ओल्ड मैन को थैंक यू बोलती है। देन टैरो टोल्ड हिम दैम स्टोरी ऑफ मैजिक वाटरफॉल, और फिर वो मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी बताता है। थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट हरी बाय नाइट फॉर शी हैड द स्टोरी थॉट द होल विलेज, मतलब वो आफ्टर नून होने से पहले पहले सबको वो कहानी बता देती है। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ विस्टिंग टू वुड कटर्स हाउस, ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, सब वाटरफॉल की स्टोरी सुनते हैं। एंड टुक अ सिप ऑफ द शेक, और थोड़ा सा शेक भी पी के जाते हैं। इन द लास्ट हार पिक्चर वॉज एम्प्टी, और जिस पिक्चर में वो भर के ला रहा था वो पिक्चर एम्प्टी हो जाता है बहुत जल्दी ही। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्किंग एवर नाइदर देन, वो कल से भी ज़्यादा जल्दी उठता है काम करने के लिए। द मॉर्निंग बिफोर ही कैल ही द लार्जेस्ट पिक्चर, वो एक उसके घर में जितना बड़ा सबसे ज़्यादा बड़ा पिक्चर उठाता है और जाता है। ही ओन्ड और ही इंस्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द वाटरफॉल। व्हेन ही रीच्ड इट फाउंड अ ग्रेट सरप्राइज, उसे एक सरप्राइज मिलता। ऑल हिज नेबर्स देयर दे वर कैरिंग पिक्चर्स बकेट्स एनीथिंग देन कुड विलेज टू मैजिक शेक देन विलेज कैन हैड माउथ, मतलब सब मैजिक शेक पीने आ जाते हैं। अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन एंड देन एंग्रीली वाटर, और वो उसको बार बार पीते हैं लेकिन वो एक पानी होता है, वाटर होता है, नथिंग बट वाटर, वो बस वाटर ही होता है। अदर ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो शेक, और लोग भी ट्राई करते हैं लेकिन वहाँ पे कोई शेक नहीं होता। वी हैव बिगिन ट्रैक्ड शाउटेड द विलेजर व्हेन टैरो लेट अस ड्रॉ हिम वाटर फॉल, और वो गुस्सा होता है और टैरो को उसी वाटरफॉल में डुबो के मारने के लिए सोचते हैं। बट टैरो हैड पेन इनफ टू स्लिप बिहाइंड रॉक्स,
टैरो तो स्मार्ट हो जाए होता है। रॉक्स के पीछे छुप जाता है व्हेन ही सॉ हाउ थिंग वेयर गोइंग। जब सब लोग चले जाते हैं एक एक करके ही वो नेवर टू फाइंड, मतलब फिर वो अपनी जगह से बाहर निकलता है। वो सोचता है क्या वो उसका सपना था। मार्टिन देन एंग्री एंड डिसअपॉइंटमेंट, मतलब एंग्री और डिसअपॉइंटमेंट लोग द विलेजर लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, और वो वन बाय वन करके प्लेस छोड़ देते। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, वो अपनी हाइडिंग प्लेस से बाहर आता है। वॉज इट ट्रू, क्या वो सही था। ही वंडर, और वंडर होता है। वॉज इट शेक अ ड्रीम, क्या शेक एक ड्रीम था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड, फिर से वो थोड़ा सा पानी पीता है। हिज हैंड एंड पुट इट ऑन हिज लिप्स, अपने लिप्स में रखता है। इट वॉज द सेम टाइम थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, और फिर से उसको डिलीशियस शेक मिलता है। टू एवरी वन एल्स इट गिव ओनली कोल्ड वाटर, सबको तो वो कोल्ड वाटर दे रहा था लेकिन टैरो को वो दे रहा था शेक। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल, जो स्टोरी है टैरो और उसके मैजिक वाटरफॉल की, रीच द एम्परर ऑफ जापान, जो अपने जो जापान का एम्परर होता है उसके पास पहुंचती है। ही सेंट अ यंग वुड कटर, वो होता है, एंड रिवॉर्ड हिम विथ 20 पीस ऑफ गोल्ड, वो 20 पीस ऑफ गोल्ड उसे देते हैं। टू हैविंग बीन सो गुड ऑफ काइंड, उसके काइंडनेस के, देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन, उस ब्यूटीफुल फाउंटेन का नाम वो इन द सिटी आफ्टर टैरो, उस ब्यूटीफुल फाउंटेन का नाम वो टैरो रखता है। दिस सैड द एम्प्रेस इनकरेजिंग, और वो बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहता था कि वो भी अपने माँ बाप का ऐसे ही ध्यान रखें। और अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।